सबसे पहले मैं वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर मैं पूरे फेस पे लगाऊंगी। प्राइमर के बाद में मैं अपने आईब्रो को सेट करने के लिए यहाँ पे हिलेरी रोडा की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड है ब्राउन। इस आईब्रो पेंसिल के साथ में आपको ब्रश भी मिल जाता है। आईब्रोज के बाद में मैं पर्पल का कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं अपने अंडर आई पे और आईज के ऊपर लगाऊंगी। कंसीलर के बाद में मैं यहाँ पे मिलाने का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड है 04। फाउंडेशन को मैं मेरे पूरे फेस पे और नेक पे अच्छे से लगाऊंगी और इसको वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद में मैं अपने फेस को सेट करने के लिए यहाँ पे लैक्मे का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसको ब्रश से पूरे फेस पे अच्छे से लगाऊंगी ताकि मेरा फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाए। लूज पाउडर के बाद मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है, जिसमें ब्राउन शेड मैंने लिया है और मैं अपने क्रीज के ऊपर इसे लगाऊंगी। फिर वेट एंड वाइल्ड दूसरे आई शेडो पैलेट लेके इसमें ब्लैक आई शेडो कलर मेरे आउटर वी पे आईज के आउटर वी क्रिएट करूँगी। टिश्यू से थोड़ा थोड़ा जो साइड से ख़राब हो गया उसे सही कर लूँगी। फिर इसी पैलेट में लाइट सिल्वर कलर है जिसमें थोड़ा शिमर है, उसको मेरे लिड के सेंटर में लगाऊँगी।
मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का। ये वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट है, मैं अपने फेस पे इसे शेप दूंगी। जो कि बिल्कुल भी अच्छी शेप आई नहीं है, पता नहीं क्यों इसका कलर दिख नहीं रहा है कैमरे के अंदर, फिर भी चलो ट्राई तो किया। इसके बाद मैं अपने फेस पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो कि है स्विस ब्यूटी का। हाइलाइटर मैं अपनी नोज़ के ऊपर, अपने चिक बोन्स पे अच्छे से इसे लगाऊंगी। फोरहेड पे भी लगाऊंगी। ये मेरा फाइनल लुक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।